पिछले वीडियो में हमने बात किया था बंगाल वॉरियर्स एंड बेंगलुरु बुल्स के बारे में, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे दबंग दिल्ली एंड गुजरात जायंट्स के रिटेन प्लेयर्स के बारे में। कौन कौन से प्लेयर्स हो गए रिटेन प्रो कबड्डी सीजन 11 के ऑक्शन से पहले, बिकॉज ऑक्शन अब बहुत ही ज्यादा करीब है। एंड आइए फटाफट इस वीडियो में दोनों ही टीम्स को कवर कर लेते। शुरुआत करते दबंग दिल्ली के साथ। तो दबंग दिल्ली के साथ ही सबसे पहले एग्जिस्टिंग एनवाईपी के बारे में जान लेते। चार प्लेयर्स अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी रिटेन हो गए। सबसे पहले योगेश दहिया जो कि राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, फिर यहाँ पे मनु देशवाल जो कि रेडर है, फिर यहाँ पे आशीष मलिक जो कि लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, एंड आखिरी प्लेयर हिम्मत अंतिल जो कि लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। चारों ही एनवाईपीज की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो योगेश दहिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपने डेब्यू सीजन में दिखाया है। 23 मैचेस में 74 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। वहीं पे मनु देशवाल ने 11 मैच में 7 रेड पॉइंट स्कोर किए। आशीष मलिक जो कि लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर है, 19 मैच में 48 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। हिम्मत अंतिल ने 8 मैच में 12 टैकल पॉइंट स्कोर किए। सभी प्लेयर्स का एक्सपेक्टेड रिटेंशन प्राइस की बात की जाए तो सभी प्लेयर्स 9 से 10 लाख में रिटेन हो गए, लेकिन योगेश दहिया काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, कैटेगरी ए में आए गए, तो इनका रिटेंशन प्राइस 30 लाख या फिर 30 लाख से ज्यादा हो सकता है। तो ये चार प्लेयर्स एग्जिस्टिंग एनवाईपीज थे। अब यहाँ पे बात करते हैं आरवाईपी के बारे में, यानी कि रिटेन यंग प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं। तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी मुझे लगता है कि रिटेन होगा अंडर आरवाईपी, जो यहाँ पे मनजीत शर्मा है। मनजीत शर्मा चौथा सीजन लगातार दबंग दिल्ली से खेल सकते हैं अगर रिटेन हुए तो। इनका परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 20 मैच में 55 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। पिछले सीजन कैटेगरी सी में थे एंड मुझे लगता है कि फिर से कैटेगरी सी में हो गए। लास्ट ऑक्शन में इनका प्राइस 9.66 लाख था। यहाँ पे देखा जाए तो इनको रिटेन किया गया था एंड इस बार इनका प्राइस 10 लाख से ज़्यादा हो सकता है। तो मनजीत शर्मा परफॉर्मेंस अच्छा दिए एंड कम पैसे में रिटेन हो सकते, तो दबंग दिल्ली की टीम डेफिनेटली इनको रिटेन करेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं इलीट रिटेन प्लेयर्स के बारे में, यानी कि इलीट प्लेयर्स के बारे में कौन कौन से रिटेन हो गए। सबसे पहले प्लेयर की बात की जाए तो सबसे पहले प्लेयर है नवीन कुमार। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि नवीन कुमार को क्या दबंग दिल्ली की टीम रिटेन करेगी कि नहीं करेगी, कितना प्राइस इनका रिटेन का होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 6 ही मैच खेले एंड इन 6 मैच में इन्होंने 71 रेड पॉइंट स्कोर किया। देखा जाए तो इनको पिछले सीजन रिटेन किया गया था 1.10 करोड़ में एंड 6 मैच के बाद ही इंजरी के कारण रूल आउट हो गए। अब डिपेंड करता है कि इनका जो इस सीजन का कैटेगरी है वो यहाँ पे अप होगा या फिर डाउन होगा। पिछले सीजन कैटेगरी ए में थे एंड अगर कैटेगरी ए में दोबारा हुए तो इनको और ज्यादा पैसा मिलेगा, एंड अगर कैटेगरी डाउन हुआ तो इनका जो रिटेंशन का प्राइस है वो थोड़ा सा डाउन होगा। तो नवीन कुमार रिलीज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर कैटेगरी बराबर हुआ तो डेफिनेटली दबंग दिल्ली की टीम इनको रिटेन करेगी एंड ज्यादा पैसा भी पे करेगी। दूसरे प्लेयर की बात की जाए तो दूसरे प्लेयर आशु मलिक हो गए। आशु मलिक भी रिटेन होने वाले ऐसा मुझे लगता है। इनका पिछले सीजन का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन था। 23 मैचेस में 276 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड इस बार 100% कैटेगरी ए में आशु मलिक आएंगे। पिछले सीजन ऑक्शन में थे एंड 96.25 लाख में दबंग दिल्ली की टीम ने एफबीएम कार्ड का इस्तेमाल करके वापस इनको अपने टीम में लिया एंड और भी ज्यादा इनका प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज कैटेगरी अप होगा तो रिटेंशन का प्राइस भी अप होगा एंड 1 करोड़ से ज्यादा दबंग दिल्ली की टीम पे करेगी एंड डेफिनेटली पे करना चाहिए जिस हिसाब का इनका पिछले सीजन परफॉर्मेंस था। तो ये दो बड़े खिलाड़ी नवीन कुमार एंड आशु मलिक 1 करोड़ से ज्यादा में रिटेन हो गए एंड दबंग दिल्ली की टीम रिटेन करेगी। अगर खिलाड़ी चाहता है कि मैं रिलीज होना चाहता हूं तो डेफिनेटली ऑक्शन में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे दबंग दिल्ली के रिटेन प्लेयर्स। आप इससे सहमत हो कि नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। अभी T20 वर्ल्ड कप एंड हुआ एंड टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई। अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन किया गया, फाइनल मैच का प्रेडिक्शन भी इंडिया की तरफ था एंड इंडिया नेल बाइटिंग मुकाबला 7 रनों के साथ जीती। एंड अभी मुकाबला खत्म नहीं होगा, टीम इंडिया फिर से एक्शन में देखने को मिल जाएगी। जिम्बाब्वे का दौरा करने वाली है 6 जुलाई से, जिसमें 5 T20I मैचेस का यहां पे सीरीज होगा। एंड सभी मैचेस के प्रेडिक्शन जानने के लिए आप राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी MLC भी स्टार्ट होने वाला है तो सभी क्रिकेट के प्रेडिक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में आप राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
अब बढ़ते हैं गुजरात जायंट्स की तरफ। गुजरात जायंट्स की टीम ने पिछले सीजन सिर्फ एक ही एनवाईपी को साइन किया था, तो वो एक एनवाईपी ही एग्जिस्टिंग एनवाईपी में इस सीजन रिटेन होने वाला है। उस खिलाड़ी का नाम है नितिन जागलान, जो कि रेडर है। परफॉर्मेंस तो आप कह सकते हो कि डिसेंट सा दिखाया, 9 मैचेस ही में खेले एंड इन 9 मैचेस में इन्होंने 17 रेड पॉइंट स्कोर किया एंड एक्सपेक्टेड रिटेंशन प्राइस इनका 9 से 10 लाख होने वाला है। दूसरे कैटेगरी की तरफ बढ़े तो दूसरा कैटेगरी होगा RYP, जिसे आप रिटेन यंग प्लेयर कह सकते हो। तो जो सबसे पहला प्लेयर जो रिटेन होगा अंडर RYP वो है प्रतीक दहिया। प्रतीक दहिया अपना स्ट्रेट थर्ड सीजन खेलते हुए दिख जाएंगे इन गुजरात जायंट्स जर्सी। देखा जाए तो प्रतीक दहिया पिछले सीजन एग्जिस्टिंग NYP में रिटेन हुए थे एंड इस सीजन RYP में रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन था, 20 मैच में 130 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड इस बार इनका रिटेंशन प्राइस 20 लाख से ज्यादा हो सकता है। एंड दूसरे RYP हो गए राकेश सुंगरोया, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने भी दिखाया। अपना फोर्थ स्ट्रेट सीजन गुजरात जायंट्स से खेलते हुए दिख जाएंगे अगर रिटेन हुए तो। पिछले सीजन इनका कैटेगरी बी था एंड इस सीजन भी कैटेगरी बी होगा बिकॉज परफॉर्मेंस इनका 21 मैच में 108 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड इस सीजन इनका रिटेंशन प्राइस हो सकता है 30 लाख से ज़्यादा। पिछले सीजन शायद से 30 लाख में रिटेन हुए थे तो ज़्यादा प्राइस इनको मिलेगा एंड डेफिनेटली गुजरात जायंट्स की टीम इनको रिटेन करेंगे। अब यहाँ पे हम बढ़ चुके हैं इलीट प्लेयर्स की तरफ, जिसे आप ERP भी कह सकते हो। तो सबसे पहले जो रिटेन हो गए वो है सोनू जागलान। बहुत ही अच्छे रेडर है एंड पिछले सीजन के पहले लेग में जिस हिसाब से सोनू जागलान ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस बैक टू बैक दिए थे, इनको जाने नहीं देगी। एंड कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी इनका जरूर सी ही होगा, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिए थे। 18 मैचेस में 83 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड पिछले सीजन रिटेन हुए थे। इनका रिटेंशन प्राइस शायद से 28 से 30 लाख था एंड इस बार इतना मिल सकता है सोनू जागलान को। दूसरे प्लेयर की बात की जाए तो दूसरे सोमवीर गुलिया होने वाले, जो कि राइट कॉर्नर पोजीशन के डिफेंडर है। इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन था, 22 मैच में 52 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। देखा जाए तो कैटेगरी बी के डिफेंडर है एंड इस सीजन भी कैटेगरी बी के ही डिफेंडर सोमवीर गुलिया रहने वाले। एंड पिछले सीजन के ऑक्शन में इनको 26.25 लाख में खरीदा था एंड थोड़ा ज़्यादा और मिलेगा, आप 29-30 लाख समझ सकते हो। एंड इतने पैसे में अगर आपको राइट कॉर्नर पोजीशन का बेहतरीन डिफेंडर मिल जाए तो एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन होगा एंड डेफिनेटली गुजरात जायंट्स की टीम सोमवीर गुलिया को रिटेन करेगी। एंड अब यहाँ पे हम आ चुके हैं आखिरी प्लेयर की तरफ, तो आखिरी प्लेयर हो गए दीपक सिंह, जो कि राइट कवर पोजीशन के डिफेंडर है। दीपक सिंह ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 14 मैचेस में खेले एंड इन 14 मैचेस में इन्होंने 43 टैकल पॉइंट स्कोर किया। पिछले सीजन कैटेगरी सी में थे एंड इस बार कैटेगरी बी में आएंगे बिकॉज इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन था एंड पिछले सीजन के ऑक्शन में इनको 15.70 लाख में गुजरात जायंट्स की टीम ने ऑक्शन में खरीदा था एंड इससे थोड़ा ज़्यादा इनको पैसा मिलेगा। एंड कम पैसे में अगर आपको राइट कवर पोजीशन का इतना बेहतरीन डिफेंडर मिल रहा है तो गुजरात जायंट्स की टीम तो जाने नहीं देगी। तो इलीट प्लेयर के अंदर दो यहाँ पे डिफेंडर्स हो गए, सोमवीर गुलिया एंड दीपक सिंह एंड एक रेडर जो कि सोनू जागलान है। बाकी जो NYPs एंड RYPs थे वो मैंने आपको बता दिया एंड कितना आप सहमत हो इस रिटेन प्लेयर्स लिस्ट से गुजरात जायंट्स एंड दबंग दिल्ली का, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हरियाणा स्टीलर्स एंड जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में एंड मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो है वो बहुत ही जल्दी अपलोड करूं, ज़्यादा डिले नहीं होगा। एंड अभी फिलहाल के लिए आपने बंगाल वॉरियर्स एंड बेंगलुरु बुल्स का रिटेन प्लेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो एंड राइट साइड पे चैनल का जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो शो हो रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तब तक मिलते हैं उसी वीडियोज़ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।